सो गाइज आज के इस एपिसोड में आप सीखेंगे कि टेस्टिमोनियल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोटोशॉप पे चलेंगे और फाइल पे जाएंगे, एक न्यू पेज लेंगे, इसका नाम रख देंगे टेस्टिमोनियल्स। ओके, टेस्टिमोनियल्स नाम रख दिया है। डॉक्यूमेंट टाइप को कस्टम ही ले लिया है मैंने, और विड्थ जो है 1200, हाइट 600, रेजोल्यूशन वो सेम वैसा ही है आपका, बस विड्थ जो है अब की बार हमने कम ली है, तो इससे विड्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो गाइडलाइंस है वो 9960 पे ही रहेंगी, तो ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। चलो इसको ओके करते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करने जा रहे हैं टेस्टिमोनियल। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर ज़रूर लेंगे, तो बैकग्राउंड कलर हम ये लाइट थोड़ा सा लाइट ब्लू लेंगे। ओके ओके, और इसको अनलॉक कर देंगे। इसको अनलॉक करने के बाद में ऑल्ट बैक स्पेस से कलर इसमें फिल कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है, और यहाँ पर टाइप करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी टाइप कर लिया है, तो ये मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपके जो भी क्लाइंट्स रहेंगे, जो भी आप करना चाह रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा ना आपकी आपको करना क्या है। तो ये लिया, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है लगभग लगभग हम यहाँ पे रखेंगे 25। ओके, लेकिन इससे पहले, ये तो आपको पता चल गया कि आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको गाइडलाइंस तो क्रिएट करनी ही पड़ेंगी कि कंटेंट जो है आपका कितने में रहना चाहिए। ओके, तो गाइडलाइंस के लिए सेम आपको वैसा ही काम करना है। फिर से आपको रिक्टेंगल टूल लेना है, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 9060 यहाँ पे टाइप करना है और 100 कर देना है। ओके, सो ये आ गया आपका, और ये जो फिल कलर कोई भी फिल कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब करना क्या है, इसको जस्ट बैकग्राउंड के साथ सेलेक्ट करके सेंटर कर देना है। तो और इसके बाद में आपको कंट्रोल आर कर देना, रूलर आ जाएगा, और इसको गाइडलाइंस जो है आपको लगा देनी है। अब इसका काम हो गया ख़त्म, इसको आप कर सकते हैं डिलीट। ओके, सो गाइडलाइंस भी आ गई हैं, और ये अब टेस्टिमोनियल जो है इसको आप अपने हिसाब से, देखिए मैंने 25 दिया हुआ है, इसको भी सेंटर कर देंगे। तो ये सेंटर हो चुका है क्लाइंट टेस्टिमोनियल, और चाहो तो ये सेकंड जो कलर है इसको आप चेंज कर सकते हो, ब्लैक भी बेस्ट लगेगा, ब्लैक कर देंगे इसको हम। ओके, 10 10 10 तो ये सही है। फॉन्ट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, जैसा भी आप फॉन्ट चाहो वैसा फॉन्ट रख सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पर आएंगे और राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेते हैं, और जस्ट आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये जो हमारी विड्थ है टोटल, वो हमने 1200 ली है, उसके बाद में जो गाइडलाइन है हमारी वो 960 यानी कि 960 पे है, तो 960 पे हम पूरा लेआउट शुरुआत से अभी तक डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए यार ये 1200 क्यों लिया है, तो आप इसको 1600 भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी ले सकते हो इसको, ठीक है ना। 1600 ले सकते हो, 1300 ले सकते हो, तो बाद में जो कि आप वहाँ पे जो लोगे उससे कोई इशू नहीं होने वाला है, ये आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हमारा जो लेआउट मेन रेडी हो रहा है वो 960 में हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे विड्थ जो है हमने क्या की है, हाँ यस, तो अब 960 ली है, तो 960 में इसको मान लीजिए हमारे तीन लोगों के टेस्टिमोनियल्स में ऐड कराने हैं, तीन लोगों के टेस्टिमोनियल ऐड कराने, तो तीन भाग में इसको डिवाइड करेंगे, तो लगभग 310 310 आएगा, 10 की पैडिंग लगभग छोड़ देंगे, ठीक है, बीच में तो 310 410, और ये जो रेडियस है वो 10 10 ही रखेंगे, और ओके कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। फिल जो है इसको वाइट दे देंगे, और आउटलाइन जो है वो नन कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से आ चुका है। ओके, अब क्या करना है, इसके बाद में फिर से हम एक इलिप्स टूल लेंगे, और इलिप्स टूल को थोड़ा सा इसका कलर जो है वो हम पहले से ही ग्रे टाइप का कर देंगे, या इलिप्स टूल का कर देंगे, इसका ना करें, इसका वाइट ही रहने दें, और यस अपने हिसाब से लेंगे इसको, और इसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप का कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसको भी सेंटर कर लेंगे इससे। ओके, अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हमें टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट मान लीजिए ये हमें टेक्स्ट देना है, लोअर में ऑप्शन मैंने ले लिया ऐसे ही,
और टेक्स्ट टूल लेंगे, और जस्ट अभी आपको देखना है यहाँ पे, जब भी आप टाइप करने चलेंगे, ये लास्ट के एपिसोड में शायद मैंने बताया हुआ था, तो इलिप्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे, तो वो चीज़ अगर सेलेक्टेड होगी तो जो पूरा टेक्स्ट है उसी हिसाब से आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेना है, ना कि सिर्फ एज अ टेक्स्ट लेना है, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे और टेक्स्ट यहाँ से पूरा हम एक लेयर टाइप की लेंगे। और पेस्ट कर देंगे, ये कितना है 18 है, तो इसको हम छोटा करेंगे थोड़ा सा, 16 पिक्सल या 15 पिक्सल्स भी आप कर सकते हो, और इसको जस्ट ऊपर ले जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से आ गया है। ओके, और परफेक्ट, इसको ब्लैक करेंगे थोड़ा सा, ब्लैक इस टाइप का रखेंगे, 30 30 30 एरियल रखेंगे इसको, सिंपल सा फॉन्ट, एरियल रेगुलर कर देंगे इसको। अब इसको ऐसा पैराग्राफ के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि जब भी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, और लेयर पर राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू पॉइंट टेक्स्ट कर देंगे। तो अब कितना भी आप करोगे तो वो चीज़ नहीं आएगी, आपको एज अ पैराग्राफ बन चुका है ये। ओके, अब इसका नाम हम जो भी है, अब नाम हम दे सकते हो, जैसे कि धीरेन्द्र है, तो ये हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे और फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको भी इसके साथ सेंटर करेंगे। ओके, ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा, फिर वही हमें काम करना है, बार बार इसको सेंटर करते रहना है, सेंटर करके रखेंगे अपने हिसाब से। इसको थोड़ा सा और भी आप बढ़ा सकते हो ऊपर की ओर, जितनी ऊपर स्पेस है उतनी आपको नीचे भी रखनी है, जितनी यहाँ पे स्पेस है उतनी लगभग यहाँ पे भी नीचे रखनी है, तो उससे क्या होगा कि बैलेंसिंग हो जाएगी और देखने में अच्छा भी लगेगा। तो एक ही लाइन में मैंने कर दिया है। अब देखिए ये डी के वोटर जो साइट है, ये लिंक इस पर लगा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम ब्लू टाइप का कर देंगे ताकि ये कुछ अलग सा लगे। और कोशिश करिएगा ये जब आप रेडी करिए तो ये इसका जो प्रीव्यू है वो 100% पे करिए। ओके, तो अभी इसको फिर से हम आएंगे यहाँ पे, या फिर आप इसको पिंकिश टाइप का भी कर सकते हो, थोड़ा सा अलग लुक आ जाएगा और क्या अच्छा भी लगेगा। ओके, और इसमें बात आई धीरेन्द्र, सी धीरेन्द्र की आई, और तो इसको थोड़ा सा ब्लैक हल्का सा ज़्यादा कर सकते हो, और फिर उसके बाद में इसको बोल्ड भी कर सकते हो आप। तो ये एक लाइन में हो गया, एक काम यहाँ पे और भी हो सकता है कि आप धीरेन्द्र को ऊपर भी टाइप कर सकते हो, ठीक है, धीरेन्द्र को ऊपर टाइप कर दो और नीचे CEO उसके छोटा सा डाल सकते हो, और फिर ये ऑफ टिक के वेब टैग भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड हैं, आपको दोनों यूज़ करने हैं, तो सिंपल सा मैंने अभी ये यूज़ किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में गैपिंग थोड़ी सी लग रही है, तो अभी ये हम लेंगे टेस्टिमोनियल वाला टेक्स्ट ले लो, या फिर सिंपल सी बात है आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सी मैंने ऐसे फैंटास्टिक कोर्स। ओके, तो यहाँ पे इनका वो आ जाएगा, एक टैगलाइन यानी टाइटल आ जाएगा कि ये मतलब कैसा रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको भी ब्लैक इस टाइप कर सकते हो, और इसको हम रख देंगे लगभग लगभग 20 पिक्सल्स, फैंटास्टिक कोर्स, ठीक है, फैंटास्टिक कोर्स। ओके, दूसरे भी फॉन्ट लेके देख लेते हैं कैसा आएगा, चाहो तो और भी आप थोड़ा सा स्टाइलिश भी यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके के। अब इसमें आपकी पिक लगानी रहेगी, तो पिक के लिए मैंने कुछ पिक्स ले रखी हैं पहले से ही, तो मैं ये 3 पिक्स हैं, तीनों को मैं ले लूँगा, लेकिन सबसे पहले एक मैं पिक लेता हूँ, ये वाली, जस्ट इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया यानी ड्रैग करके।
अब इसको जस्ट इसके ऊपर ले आऊँगा, रेक्टेंगल के ऊपर। तो पहले देखिए कि रेक्टेंगल आपका कहाँ पे है। तो आपका इलिप्स ये वाला इलिप्स है, ज़रा सा देख लीजिए, ये आपका इलिप्स है, सॉरी ये रेक्टेंगल, ये इलिप्स वन है। तो इलिप्स के जस्ट ऊपर आपको पिक को ड्रैग करके लाना है। तो देखिए दो मेथड यहाँ पे बताऊंगा, क्लिपिंग मास्क मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। एक तो आप वॉल इमेज, जो भी इमेज आपको जिसके अंदर क्लिपिंग मास्क करना है उस लेयर के ऊपर ले जाइए। जैसे मुझे इलिप्स के अंदर करना है तो मैं इमेज को यहाँ पे ले आया, उसी के जस्ट ऊपर ले आया इलिप्स के, और यहाँ पे ऑल्ट को होल्ड करेंगे तो देखिए इस तरीके से कर्सर बन जाता है आपका, ओके। या फिर आप सिंपल सी बात है, इमेज को उस इलिप्स या रेक्टेंगल के ऊपर वाली लेयर पे ले आइए और कंट्रोल ऑल्ट जी कर दीजिए, तो अपने आप ही क्लिपिंग मास्क हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लिपिंग मास्क जो है वो हो चुका है। अब इसको अपने हिसाब से आप इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। तो अभी ये हुआ है, और आप एक काम और कर सकते हो, स्ट्रोक डाल सकते हो आप अपने इस रेक्टेंगल इलिप्स में। तो इलिप्स में मैं क्या दूं क्या दूं, यही बेस्ट रहेगा। और इसके लिए 2 से 3 पिक्सल्स, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना थोड़ा थोड़ा सा भद्दा भी लग सकता है। तो 1 मिनट, ये आप चूंकि पिंक यहाँ पे है तो यहाँ पर रेडिश टाइप का कर सकते हो या फिर पिंक भी कर सकते हो, पिंक और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये इतना सा हुआ है अभी। अब इसके बाद में क्या बचता है यहाँ पे आपका, तो एक काम और यहाँ पे कर सकते हो, इसकी ड्रॉप शेडो भी आप डाल सकते हो। थोड़ा सा अगर ड्रॉप शेडो दे दोगे तो कुछ और खूबसूरती आ जाएगी इसमें। तो ये देखिए नीचे की ओर करेंगे, अगल बगल नहीं करेंगे, अगल बगल थोड़ा सा भद्दा लगेगा। तो नीचे की ओर हमने किया, बिल्कुल एंगल 90, ओपेसिटी 20 है, स्प्रेड बिल्कुल 0 है, साइज इसका 1 रखा है, डिस्टेंस इसकी 6 है। तो आप इसी हिसाब से आप कर सकते हो अपना, ओके। तो अभी ये इस तरीके से रेडी हुआ है इतना। अब क्या करना है कि इसको ग्रुप कर देंगे जितना भी हमारा ये यहाँ से था, यस, ओके। ये लगभग आपका रेडी हो चुका है, कंट्रोल जी करेंगे और ये ग्रुप हो गया। तो इसको T1 नाम दे सकते हो आप अपने हिसाब से, T1 T2 कुछ भी दे दो, और इसको जस्ट लेफ्ट से लेंगे, बिल्कुल लेफ्ट से लेंगे। और बस अब क्या है, इसकी डुप्लीकेट बनाते जाओ, ओके। तो अभी आप देखोगे बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, 15 15 पिक्सल्स की जो इसके बीच में गैपिंग है वो है, साफ साफ दिख रहा है। अगर फिर भी आपको लगता है तो तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट जो है वो डायरेक्टली बिल्कुल बराबर बराबर कर सकते हो, तो बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा। तो ऑलरेडी बराबर बराबर था ही। तो टेस्टिमोनियल जो हमारा है, इसका चाहो तो फॉन्ट साइज और आप बढ़ा भी सकते हो, तो 30 भी हम करके देख सकते हैं। 30 जो होगा आपका S2 हो जाएगा, तो 32 ये भी परफेक्ट आ रहा है, कोई इशू नहीं है। और बस आपका जो रह गया है वो इमेजेस रह गई हैं, इमेज और हम यूज़ करेंगे, 2 इमेज यूज़ करेंगे। इमेज जाओगे तो मैं एक काम करता हूँ कि जो T2 है, यानी कि इसका नाम पहले चाहे तो रिप्लेस कर लो, आराम से बिल्कुल करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, T2, और इसको T3 करेंगे, T3, ओके। अब T2 की बारी आई है, T2 में हमें इमेज को डालना है। तो अब ये वाली जो इमेज है इसको भी यहाँ पर T2 पे ले आएंगे, छोटी करेंगे, ओके। अब ये वाली इमेज को चाहो तो डिलीट कर दो या बंद भी कर सकते हो, और इसको कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे, तो ये देखिए आ चुकी है यहाँ पे भी, ठीक है। या उसको डिलीट करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि इसकी लेयर उसके ऊपर है। यहाँ पर भी वही काम करना होगा हमें, लेकिन अब यहाँ पे T3 पे आना है, T3 पे आएंगे और ये इमेज हमारी, इसको भी ड्रैग करके ले जाएंगे। कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, तो ये आपका रेडी हो चुका है, इमेजेस भी चेंज हो चुकी हैं। अब इसके बाद में अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि अभी इसमें कलर्स वगैरह में कुछ चेंजेस करना चाहते हो
तो वो भी आप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये टेस्टिमोनियल्स कैसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट एपिसोड में और टेस्टिमोनियल पे थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे से करके, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और आप बहुत अच्छे से जो वेब डिज़ाइनिंग है वो सीख सकोगे फोटोशॉप में, और अच्छी खासी आप जॉब पाने के एलिजिबल हो जाओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक डीके वेबटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डीके वेबटेक को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।